वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो सर्दियों का मौसम आ चुका है एंड सर्दियों में आप देखेंगे कि तरह तरह का खाना खाने का मन करता है, गर्मा गर्म खाना खाने का मन करता है। बट हाँ, और एक बात भी बहुत सच है कि सर्दियों के मौसम में स्पेशली शाम को ना किचन में जाने का मन नहीं करता है, बिकॉज सर्दियों में हम सब कोई बहुत आलस आता है एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल एग्री विथ मी। तो इस वीडियो से, जैसे कि टाइटल से आप सबको पता चल ही गया होगा कि मैं शेयर करने वाली हूँ मंडे टू फ्राइडे का विंटर का जो डिनर आइडियाज है। एंड यू नो जितने भी सारे रेसिपीज है आप 30 मिनट्स के अंदर बना सकते हैं। डेफिनेटली आई विल शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे रेसिपीज जल्दी हो जाए, ताकि आपको किचन में ना ज्यादा टाइम रहना ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने जितना सारा मेहनत किया है वो सफल हुआ है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सर्दियों के मौसम में आप देखेंगे कि सोया चंक्स खाने में काफी टेस्टी लगता है एंड बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने अराउंड 1 कप ऑफ सोया चंक लिया है। एंड कोई भी फास्ट कुकिंग अगर आपको जल्दी करना है ना, मुझे लगता है एक इलेक्ट्रिक कैटल तो सबके घर में होना ही चाहिए। तो ये पानी गर्म होने में विल ओनली टेक अराउंड 1 मिनट। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग इसको सोक कर लेंगे एंड फिर कवर करके ना ये सिर्फ 5 मिनट्स में ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने एक अनियन लिया है एंड एक ग्रीन चिली एंड यहाँ पे एक बड़ा टमाटर है। तो अभी हम लोग पेस्ट बना लेंगे। मुझे लगता है पेस्ट बनाते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये दोनों को एक साथ मिला के आप लोग पेस्ट बना लीजिए। तो बन गया पेस्ट एंड उसके साथ हम लोगों को कुछ गरम मसाला चाहिए, मैं आप सबको दिखा देती हूँ। एंड हाँ, सोया चंक के साथ मेरे पास कुछ स्प्राउट्स है। तो मैं एक स्प्राउट्स का मैं बोलूंगी आई विल कॉल इट लाइक ए इंडियन सैलड। ये बहुत ही हेल्दी होता है, आप आपके मन पसंद स्प्राउट्स ले सकते हैं। तो उसके लिए ना यहाँ पे हम लोग को थोड़ा करी लीव्स चाहिए एंड लिटिल बिट ऑफ मूंगफली यानी पीनट्स। पैन पे मैंने थोड़ा ऑयल लिया है। तो फर्स्ट हम लोग इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। तो गरम मसाला जब थोड़ा क्रैकल करना स्टार्ट करे एट द टाइम ना एट द पेस्ट जो हम लोगों ने बनाया था। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई करना है जब तक ना ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाए। सी दिस इज द परफेक्ट जो हम लोगों को चाहिए। देन हम लोग ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ ड्राई कसूरी मेथी। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है। फिर सम ग्रीन चिली, सॉरी रेड चिली पाउडर एज पर योर टेस्ट, 1 टीस्पून ऑफ क्यूमेन पाउडर यानी जीरा पाउडर। फिर हम लोग ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर, धनिया पाउडर क्यूमेन पाउडर से थोड़ा कम, 1/4 टीस्पून ऑफ अनारदाना पाउडर। इससे ना थोड़ा एक रेस्टोरेंट स्टाइल आता है, मुझे लगता है व्हेनेवर यू ऐड कसूरी मेथी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल सॉफ्ट हो गया है सोया चंक। तो चलिए अभी सोया चंक को ऐड कर देते हैं एंड ऐड करने के बाद ना ऐड सम सॉल्ट इन इट एंड फिर ना आपको बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है जब तक ना ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर सोया चंक अच्छी तरीके से आप भूनेंगे ना तो आप देखेंगे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एंड नाउ वील ऐड सम वाटर इन इट। तो पानी ऐड करके ना हम लोग इसको कवर करके रख देंगे एंड हाँ, गरम मसाला ऐड कीजिए 1/4 टीस्पून ऑफ गरम मसाला। तो चलिए अभी हम लोग स्प्राउट्स बनाते हैं। तो एक पैन पे मैंने अराउंड 1 टीस्पून ऑफ ऑयल लिया, लाइक थोड़ा ऑयल आपको लेना है। तो मैं थोड़ा ब्रश कर रही हूँ क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील का पैन है। उसके बाद ना जो इंग्रेडिएंट्स है दैट इज करी लीव्स एंड मूंगफली हम लोग ऐड कर लेंगे। इसमें ना मूंगफली ऐसा फुल ऐसा फ्राई टाइप नहीं होगा, लाइक थोड़ा थोड़ा बॉयल होगा। देन आई एम एडिंग अराउंड 1 टेबल स्पून, ये 1 टेबल स्पून से कम ही लग रहा है, थोड़ा अनियंस, दिस इज एज पर योर टेस्ट। मीडियम टू लो फ्लेम में हम लोग बनाएंगे। देन हम लोग स्प्राउट्स ऐड कर देंगे, फिर थोड़ा टर्मरिक एंड थोड़ा रेड चिली पाउडर
ये ना आप इवनिंग स्नैक्स के जैसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। देन थोड़ा सॉल्ट, फिर हम लोग इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको फुल फ्राई करना है, जस्ट इसको थोड़ा हल्का भूनना है। एंड एट द एंड हम लोग थोड़ा लेमन जूस यानी थोड़ा नींबू का जूस ऐड कर देंगे, तो ये रेडी हो गया है। ये तो 5 मिनट्स में हो जाता है। एंड इन द मीन वाइल हम लोगों का सोया चंक करी इज ऑल्सो रेडी। लास्ट एड सम कोरिएंडर लीव्स एंड हम मंडे का डिनर इज रेडी। रोटी के साथ इसको सर्व कीजिए। बोलते हैं ना विंटर का कंफर्ट फूड, मुझे लगता है रसम इज वन ऑफ देम, स्पेशली इन दिस पेंडेमिक, क्योंकि रसम में बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगर आपको सर्दी खांसी हो तो आप रसम खाइएगा ना, रात को आप देखेंगे आपको कितना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 अनियंस लिए हैं, जिसको अभी मैं माइक्रोवेव में मैं हीट करूंगी। एंड यहाँ पे है जिंजर, बहुत थोड़ा ही जिंजर है, अराउंड 10 लहसुन की कलियां, फिर 1.5 टीस्पून ऑफ जीरा, फिर अराउंड 10 ब्लैक पेपर, फिर उसके बाद मैंने ग्रीन चिली सिर्फ एक ही लिया, दिस इज एज पर योर टेस्ट ग्रीन चिली। फिर हम लोग ना सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के कूट लेंगे मिक्सी में, प्लीज डोंट मेक ए पेस्ट, आपको कूटना है। तो मेरे पास ये टैमरिंड कॉन्सेंट्रेट है, अभी ये आपके ऊपर है कि आपको कितना ज्यादा खट्टा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 कप पानी लिया है, एंड ये ना थोड़ा देने से ही बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है, तो मैंने सिर्फ 1/2 टीस्पून दिया है। एंड सी अभी माइक्रोवेव में मैंने 3 मिनट इसको हीट किया, तो अभी जो स्किन है ना बहुत इजीली टमाटर के निकल के आ जाएंगे। एंड फिर आपको ऐसा ही रफली चॉप कर लेना है, एंड फिर हम लोग ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे इसको। एंड हाँ, रसम है तो आई विल बी यूजिंग रसम मसाला, मुझे लगता है ये कुछ कुछ मसाला ना घर में होना ही चाहिए। एंड हाँ, रसम गोज गुड विथ राइस, रोटी के साथ रसम कभी भी मत खाइएगा। तो फर्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ मस्टर्ड सीड्स इन ऑयल, फिर 2 सूखी हुई लाल मिर्च, देन वी विल एड ऑल द कुटा हुआ मसाला। एंड है डेफिनेटली जो लोग मेरे साउथ इंडियन व्यूअर्स है, आप लोग बताना मैं कैसी बना रही हूँ। देन 1 टेबल स्पून ऑफ रसम मसाला, मैं थोड़ा अपना तड़का एड करती हूँ। देन वील एड द टमेटो प्योरी, अगर आप चाहें ना रसम में यू कैन एड लिटिल बिट ऑफ दाल ऑल्सो, पर मुझे ऐसा ही पसंद है। एंड सॉरी, मैं करी लीव्स ऐड करना भूल गई थी, ये ना जब हम लोग ऑयल पे करी लीव्स ऐड कर दीजिए, देन बहुत सारा कोरिएंडर लीव्स आपको ऐड करना है। आई एम एडिंग सम सॉल्ट इन इट, फिर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, क्योंकि आप देखेंगे ना रसम एक रेड कलर का होता है। देन आई एड द टैमरिंड वाटर, एंड अगर आप चाहें ना दिस एंटायर थिंग आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। एंड हाँ, एड सम जैगरी इन इट, दैट इज ऑल्सो एज पर योर टेस्ट। तो कवर करके रख देंगे फॉर अराउंड 10 मिनट्स, एंड हाँ आफ्टर 10 मिनट्स रसम इज डन। एंड हाँ, मैंने थोड़ा पापड़ भी फ्राई कर लिया है, बिकॉज मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट कॉम्बो, रसम राइस एंड पापर। कितने जन एग्री करते हैं कमेंट पे लिखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 कप पीस है, एंड जितना मैं दिखा रही हूँ ना इट इज गुड फॉर 2 पीपल। तो आप अपने आइडिया से ज्यादा चाहिए तो ज्यादा, नहीं तो कम चाहिए तो कम कर दीजिएगा। एंड ये रेसिपी ना विंटर्स में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि पीस तो विंटर में मिलता ही है। फिर यहाँ पे एक ही मैंने आलू लिया है, जो आप देख सकते हैं कि मैंने क्यूब के शेप में कट किया है। फिर यहाँ पे है अनियन, एक ही अनियन है, एंड ग्रीन चिली, दिस इज एज पर योर टेस्ट। तो इसका ना हम लोग एक पेस्ट बना लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने लिया है धनिया पत्ता, आपको थोड़ा ज्यादा धनिया पत्ता लेना है। एंड यहाँ पे है एक टमाटर। तो फर्स्ट ना हम लोग पीस का लाइक एक रफली ब्लेंड करेंगे, एंड थोड़ा पीस ना ऐसा ही रख दीजिएगा। अब देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पीस लाइक ऐसा फुल स्मूथ नहीं होगा। तो फर्स्ट पैन पे जब ऑयल गर्म हो मैंने ऐड किया 2 तेज पत्ता, फिर अब देख सकते हैं 2 छोटे छोटे दालचीनी, फिर 2 इलायची, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ जीरा, फिर हम लोग ऐड कर देंगे आलू। ये मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ, दिस इज अगेन ए 1 पॉट मील। कोई कोई आलू
पहले फ्राई करके यू नो उठा के रख देता है, पर मैं सब कुछ एक साथ में बनाऊंगी। तो आलू जब थोड़ा फ्राई हो जाए ना, देन ऐड द अनियन पेस्ट। तो अनियन पेस्ट ऐड करने के बाद आपको बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। फिर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी मैं सब कुछ मिला के अच्छी तरीके से भूनूंगी ताकि वो सारा कच्चापन चला जाए। फिर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर, 1 टमाटर। सॉल्ट ऐड कीजिएगा। फिर हम लोग इसमें अभी ऐड करेंगे अराउंड 1/8 टीस्पून ऑफ हींग। थोड़ा हींग ऐड कीजिएगा। फिर जो कॉमन मसाले हैं, दैट इज हल्दी, रेड चिली पाउडर, फिर धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर। फिर हम लोग ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर। बहुत ही सिंपल इसके मसाले हैं। फिर हम लोग जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था पीस का, वो हम लोग ऐड कर देंगे। एंड थोड़ा पीस ना बाद में ऐसा ही ऐड कर दीजिए। फिर हम लोगों को इसमें ऐड करना है बहुत सारा कोरिएंडर लीव्स। उसके बाद जब सारे मसाले फ्राई हो जाए ना, ऐड हॉट वाटर इन इट। फिर मैं ऐड कर रही हूँ 1/8 अनारदाना पाउडर। फिर अभी हम लोग इसको गर्म पानी ऐड कर देंगे। ये भी बहुत ही जल्दी बन जाता है। एंड सपोज इफ योर पीस इज लिटिल बिट हार्ड, तो पहले ना प्रेशर में कुक कर लीजिए। पर फ्रोजन पीस मैंने देखा ऐसे ही बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो चलो, विंटर डिनर रेडी एंड सर्व विद सम अचार अगर आपको पसंद है। थर्सडे आते आते और किसी को ही यू नो ज्यादा कुछ खाने का, कुक करने का मन नहीं करता है, तो मैं थर्सडे में बहुत ही इजी एक वेजी सूप बना रही हूँ। आप आपके मन पसंद वेजीज ले सकते हैं, पर जब भी आप वेजी सूप बनाए ना, स्पेशली इंडो चाइनीज जो होते हैं ना, ऑलवेज टेक सम कैबेज इन इट। एंड फूड प्रोसेसर ऑल्सो इज वन थिंग जो मुझे लगता है कोई भी स्पेशली इंडियन किचन में रहना ही चाहिए। सो यहाँ पे है मेरे पास कुछ गार्लिक, मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा ही जिंजर मैंने लिया है। फिर यहाँ पे 1/4 अनियंस मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। एंड यहाँ पे है कुछ सिलेंट्रो। फिर हम लोगों को चाहिए डार्क सोया सॉस एंड हाँ ग्रीन चिली सॉस। एंड हाँ, एक अगर वेजिटेबल ब्रॉथ हो तो यू नो ज्यादा और टेस्ट आएगा। सो इफ यू हैव दिस ऑल थिंग्स यू नो यू कैन कीप एट होम, क्योंकि ठंडियों का मौसम है। एंड हाँ, उसके साथ चाहिए चिली विनेगर ऑल्सो, थोड़ा चिली विनेगर। तो फर्स्ट एक पैन में सॉरी मैंने एक पॉट लिया है। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑफ बटर ऐड कर दिया है। उसके बाद यू नो अनियंस, गार्लिक, जिंजर एंड इफ यू वांट यू कैन ऐड सम ग्रीन चिली आल्सो फाइनली चॉप्ड, मैंने ऐड नहीं किया है। फिर जो सारे वेजीज है ना, हम लोग ऐड कर देंगे। एंड आपको ना फुल इसको हाई फ्लेम में बनाना है, तो नॉनस्टिक इज ए गुड आइडिया। एंड वेजीज ना सिर्फ 50% कुक होंगे, लाइक वेजीज फुल सॉफ्ट हो जाएंगे, तो ये सूप खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होगा। ऐड सम सॉल्ट, कवर करके रख दूंगी ओनली फॉर 5 मिनट्स। जब आप देखेंगे कि वेजीज थोड़े सॉफ्ट हो गए, देन ऐड द सॉस में अराउंड 1 टीस्पून ऑफ ग्रीन चिली सॉस एंड 1 टीस्पून ऑफ सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज्यादा तीखा चाहिए देन ऐड मोर चिली सॉस इन इट। तो अभी हम लोग इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे। जनरली कोरिएंडर लीव्स का ना वो स्टैम्प ऐड कीजिएगा। देन आई एम एडिंग द चिकन नहीं, वेजी ब्रॉथ इन इट। बट ये भी जो है ना, यू कैन ऐड एज पर योर लाइक आपको कितना पतला बनाना है। फिर मैंने सॉल्ट ऐड किया। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून शुगर। ट्रस्ट मी, थोड़ा शुगर ऐड कीजिएगा। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर। मेरा ये व्हाइट लग रहा है क्योंकि ये व्हाइट पेपर पाउडर है। तो अगेन हम लोग कवर करके रख देंगे फॉर अराउंड 5 मिनट्स। आप देख सकते हैं कि स्टीम निकलना स्टार्ट हो गया है। एंड एट द एंड मैं इसमें थोड़ा कॉर्नस्टार्च ऐड कर रही हूँ। एंड इफ यू वॉन्ट ना, आप जब ये सूप बना रहे हैं, यू कैन ऐड सम नूडल्स इन इट, तो ये वेजी नूडल सूप भी हो जाएगा। तो चलो, थर्सडे खत्म, सूप पियो विद सम ब्रेड स्टिक। नहीं तो मैं जैसे बोल रही थी, यू कैन ऐड सम नूडल्स एंड बस सो जाओ। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 1 कप पनीर लिया है। फिर यहाँ पे है पीस, बहुत ही इजी है। फिर यहाँ पे है कुछ खरे मसाले, जिसमें है बड़ी इलायची, लौंग एंड हाँ दालचीनी। फिर यहाँ पे है ग्रीन चिली, बहुत ही सिंपल होगा। एंड हाँ, अगर आपके पास शाह जीरा नहीं है तो आप नॉर्मल जीरा ले सकते हैं। ये है शाह जीरा।
तो एक पैन पे मैंने थोड़ा ऑयल लिया था एंड उसके बाद आई हैव एडेड लिटिल बिट ऑफ घी इन इट। तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो सारे ड्राई मसाले है दैट इज जीरा, गरम मसाला, फिर मैंने थोड़ा कैश्यू नट भी ऐड किया है, वो हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने इसमें अराउंड 1 teaspoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। ऑलवेज रिमेम्बर, आप ना थोड़ा ऐसा जिंजर गार्लिक पेस्ट घर में बना के रख दीजिए तो लाइफ भी थोड़ा इजी हो जाता है। एंड देन हम लोग पनीर पीस राइस सब एक साथ में ऐड कर देंगे। एंड मेनी ऑफ यू माइट थिंक कि पनीर हार्ड हो जाएगा, तो पनीर बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। देन आई हैव एडेड सम सॉल्ट इन इट एंड मैंने यहाँ पे 2 cup राइस लिया है। तो फॉर 2 cup राइस ना मैं अराउंड 3 cup ऑफ वाटर लेती हूँ। देन आई विल एड अराउंड 1/2 teaspoon ऑफ गरम मसाला पाउडर एंड मैं ना थोड़ा केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ। इफ यू डोंट हैव छोड़ दीजिए, ऐड मत कीजिएगा। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला एक पुलाव है मैं बोलूंगी। सपोज आपको ज्यादा इतना कुछ चॉपिंग एंड ऑल भी करना नहीं पड़ा, सिर्फ पनीर चॉप करना इज वेरी इजी, राइट? तो चलिए इसके साथ कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने लो पे रखा है। अराउंड 2 tablespoons ऑफ बेसन ना मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। एंड मेरे पास भिंडी था तो मैंने थोड़ा भिंडी को, अब देख सकते हैं कितने बड़े बड़े मैंने कट कर लिया है, क्योंकि भिंडी अगर छोटा छोटा करके कट करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, ऐसा बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो भिंडी में ना हम लोग वो बेसन ऐड कर देंगे। ये एक भिंडी, ये एक बेसन भिंडी में बनाऊंगी, ये भी बहुत ही जल्दी हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। देन अराउंड 1/2 teaspoon ऑफ क्यूमिन, फिर रेड चिली पाउडर, फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे आमचूर पाउडर, अराउंड 1/4 teaspoon ऑफ आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर नहीं है देन ऐड सम चाट मसाला पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, दिस इज एज पर योर टेस्ट यू नो, सॉल्ट। तो चलिए ऑयल को बिठा देते हैं। तो जब तक राइस होगा यू नो ये भी रेडी हो जाएगा। तो ऑयल इसमें थोड़ा ज्यादा चाहिए तभी ये टेस्टी होता है। तो ऑयल जब गर्म हुआ है मैंने इसमें 1/2 teaspoon ऑफ जीरा एंड 1/4 teaspoon ऑफ अजवाइन सीड्स ऐड किया है। उसके बाद मैं इसमें 1/4 teaspoon ऑफ हींग भी ऐड कर रही हूँ। फिर हम लोग ऐड कर देंगे इसमें भिंडी एंड सब कुछ ऐड कीजिएगा, स्पेशली जो हम लोगों ने मसाला बनाया था। एंड फिर फ्लेम को ना मीडियम से लो पे रखिएगा एंड भिंडी को आपको फ्राई करना है। लाइक इसको लीड से कवर एंड ऑल मत कुछ कीजिएगा, जब तक राइस होगा तब तक से भिंडी भी हो गया है, क्योंकि मुझे लगता है फ्राइडे हम लोग को सभी को स्पेशल खाने का मन करता है। हाँ, पर स्पेशल अगर जल्दी भी हो जाए यू नो, इतना ज्यादा मुश्किल ना हो, तो किसको पसंद नहीं आएगा, स्पेशली इन विंटर डेज। तो आई होप सो यू ऑल हैव एंजॉयड माई विंटर रेसिपीज, जो विद इन 30 minutes अगर आप ट्राई करें तो बना सकते हैं। तो पसंद आया है तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड हाँ, दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज फील टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स इट फॉर टूडे एवरी वन, बाय बाय।